नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। मिशन अंत्योदय, जी हाँ दोस्तों, मिशन अंत्योदय ऐप की न्यू वर्जन जो है लॉन्च हो चुका है। वेबसाइट भी न्यू वर्जन से लॉन्च हो चुकी है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपडेटेड हो चुकी है, और ऐप भी जो मोबाइल ऐप है वो भी अपडेटेड हो चुकी है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर मिशन अंत्योदय ऐप जो मिशन अंत्योदय का पोर्टल है, आप उस पोर्टल से भी मिशन अंत्योदय ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल से 216 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, 216 सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो आज का मैं वीडियो ये दिखा रहा हूँ जो प्रत्येक स्टेट के लिए है। इसकी गाइडलाइन भी जो है दोस्तों 28 फरवरी तक लास्ट डेट है, तो उसके पहले सभी जो है मिशन अंत्योदय ऐप का, सभी ग्राम पंचायत मिशन अंत्योदय ऐप का कार्य पूर्ण कर लें, क्योंकि मिशन अंत्योदय ऐप के कार्य करने के बाद ही हम GPDP 2023-24 की चढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो यह कार्य 28 फरवरी तक हमें जरूर से जरूर करना है। सिंपल से क्वेश्चन है, पुराने वर्षों के भी उसमें उत्तर हैं, तो उसी को उत्तर को जो हमें अब अपडेटेड कर उसमें चढ़ाना है। पहले के सालों में भी हम करते आए हैं, वही कार्य अब करना है, ठीक है। तो आप मेरे पुराने वीडियो में देख भी सकते हैं किस तरह से मिशन अंत्योदय ऐप के जो है डाटा को फिलअप करना है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें पूरी जो गाइडलाइन भी दी हुई है कि 28 फरवरी तक हमें करना ही है, कौन से 216 क्वेश्चन हैं तो उन्हें किस तरह से पूरा करना है, तो वो भी मैं आज बता दूंगा आपको, और लिंक भी दे दूंगा किस तरह से एक एक चीजें फिलअप करना है। तो पूरा वीडियो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, हम सीधे पोर्टल पर आते हैं। आपको पोर्टल का नाम मैं बता देता हूँ, missionantyoday.nic.in। आपको टाइप क्या करना है, आपको टाइप गूगल सर्च या ब्राउज़र के यूआरएल में करना है missionantyoday.nic.in, missionantyoday.nic.in। जैसे ही टाइप करेंगे तो इस तरह से न्यू जो है इसका वर्जन, नया मिशन अंत्योदय 2022-23 का वर्जन यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। तो ये पोर्टल भी अपडेट हो चुका है मिशन अंत्योदय 2022-23 का, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन यहाँ न्यू कर दिख रहा होगा आपको, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी जो है अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो पोर्टल भी अपडेट हो गया है और एप्लीकेशन भी अपडेट हो चुकी है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट मिशन अंत्योदय की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी डायरेक्ट अपने मोबाइल में डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें अपडेट हो गई हैं। अब दोस्तों, सिंपल सी प्रोसेस है इसमें, जैसे हम पुराने वर्षों में करते आ रहे हैं, तो उसी तरह से मिशन अंत्योदय की जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चनरीज रहती है, प्रश्नावली जो रहती है पूरी, हमें उसको फिलअप करना पड़ता है। पुराने साल का भी लिखा रहता है, हमें उसी को अगले साल, अब इस साल के तारतम्य में लिखना पड़ता है, तो आसानी से लिख सकते हैं वो, तो उसी को फिलअप करना है। तो मैं बता भी देता हूँ, उसमें सिंपल चीज़ें रहती हैं, सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं द्वारा MA मतलब मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 में डाटा सत्यापन की वीडियो के लिए सामान्य टेम्पलेट क्या रहेगी, तो वो बता देता हूँ। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को सर्वेक्षण प्रणाली के 216 प्रश्नों के समक्ष ग्राम पंचायत का पूरा डाटा स्थानीय भाषा में पढ़ना होगा। 216 प्रश्न हैं, उनके जो है क्वेश्चंस के आंसर देना है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ते समय मिशन अंत्योदय मोबाइल एप्लीकेशन में वीडियो की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। किस तरह से पढ़ना है वो भी दिखा देता हूँ। आदरणीय सरपंच जी और सभी ग्राम सभा सदस्यों, आप को आज जिस दिनांक रहेगी वो तारीख पढ़नी है। सूचित किया जाता है कि इस ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों, सभी गांवों के नाम, जितने भी ग्राम पंचायत जितने भी गांव है, सभी गांवों के नाम पढ़ना है। मैं दिनांक, जिस दिनांक से जिस दिनांक तक मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 किया गया है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ने आपकी ग्राम पंचायत के गांवों से 216 प्रश्नों के अंतर्गत एकत्र किए डाटा को पढ़कर सुनाया है। जैसे कि आपने नोट किया है, सर्वेक्षण डाटा में मुख्य रूप से हमारी ग्राम पंचायत में अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, कॉमन सर्विस सेंटर CSC इसको बोलते हैं, बीज केंद्र, पशु चिकित्सा क्लिनिक, बैंक, स्वच्छता सुविधाएं जैसी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता, सरकार की विभिन्न योजनाओं की कवरेज, लाभार्थी, कच्चे घरों की संख्या इत्यादि की जानकारी शामिल है। क्या बैठक में उपस्थित सभी ग्राम सभा सदस्य कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन द्वारा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 के आंकड़ों प्रस्तुत जानकारी सहमत है? तो यहाँ पर उत्तर हाँ या नहीं में देना है, तो हाँ ही देना है, क्योंकि सर्वेक्षण आगे बढ़ाना है हमें, तो हाँ में ही आंसर देना है। इसी का जो इंग्लिश वर्जन भी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, इस तरह से इंग्लिश वर्जन भी है। कॉमन टेम्पलेट फॉर वीडियो ऑफ मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23 डाटा वैलिडेशन बाय ग्राम सभाज ऑफ ऑल ग्राम पंचायत, ठीक है। स्टेप वन इसमें इस तरह से दिए, मैं आपको
स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो 216 जो हैं, 216 जो हैं पूरे हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे, उनके आंसर जो है देना है, ठीक है। मैं इसको पीडीएफ में भी अपलोड कर दूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन को, तो वो आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों अभी जो महत्वपूर्ण आदेश निकला है कि मिशन अंत्योदय सर्वे, बहुत सिंपल है दोस्तों, आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं मिशन अंत्योदय पर, बहुत सिंपली तरीके से हमें फिलअप करना है पहले की तरह ही। तो आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर यहाँ से डायरेक्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन इसकी मिशन अंत्योदय की डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें सिंपली लॉग इन कर या यूज़र नेम पासवर्ड बनाकर, यदि यूज़र नेम पासवर्ड पहली बार बना रहे हैं तो ब्लॉक से आपको जो है वेरीफाई होना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉग इन करके पूरे क्वेश्चंस के आंसर देना है, फिर उसी को पीडीएफ में अपलोड भी करना है, ठीक है। सिंपल सी प्रोसेस है, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, और आप कहेंगे तो मैं एक बार और बनाकर आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो मेन आदेश निकला आज के दिन वो दिखा देता हूँ। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल दिनांक 24/2/2023 कल के दिन ही निकला है, क्रमांक 3236 आप देख सकते हैं 2023, प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ जिला पंचायत जिला समस्त मध्य प्रदेश, विषय है मिशन अंत्योदय एमए, मिशन अंत्योदय की प्रगति के संबंध में, संदर्भ दिया हुआ है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का पत्र क्रमांक 17/1/2023, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का पत्र क्रमांक 6/2/2023 और फिर 7/2/2023, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, मिशन अंत्योदय हेतु समस्त जिलों का प्रशिक्षण दिनांक 30 एवं 31 जनवरी 2023 को महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण एवं पंचायत राज संस्थान जबलपुर में संबंध हो चुका है, मतलब प्रशिक्षण हो चुका है। ये वीडियो दोस्तों प्रत्येक स्टेट के लिए, मैं चूंकि मध्य प्रदेश का आपको आदेश दिखा रहा हूँ, लेकिन यह कार्य प्रत्येक स्टेट में हो रहा है और होना है, ठीक है। तो जबलपुर में संपन्न हो चुका है, भारत सरकार द्वारा मिशन अंत्योदय के सर्वे हेतु एप भी दिनांक 9 फरवरी, तो भारत सरकार द्वारा मिशन अंत्योदय के सर्वे हेतु एप, मोबाइल ऐप जो है, मोबाइल ऐप भी दिनांक 9 फरवरी 2023 को लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2022-23 का पोर्टल भी अपडेट हो चुका है, लॉन्च हो गया है, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च हो चुकी है 9 फरवरी 2023 को ही। निर्धारित समय सीमा उपरांत मिशन अंत्योदय ऐप बंद हो जाएगा, जो समय सीमा है उसकी, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो वो समय सीमा क्या है वो भी हम देख लेते हैं, जिससे जिले की प्रगति पोर्टल प्रविष्ट नहीं हो सकेगी, अतः कृपया सर्वे 28 फरवरी तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। तो इसकी समय सीमा जो दी है 28 फरवरी तक सभी ग्राम पंचायतों को प्रत्येक स्टेट में जो है मिशन अंत्योदय का सर्वे पूर्ण कर लेना है। दोस्तों ये सर्वे पूर्ण होने के बाद ही हम जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर हम लॉगिन करके वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीपीडीपी ग्राम पंचायत विकास योजना का एक्शन प्लान एक्टिविटी ये सब बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मिशन अंत्योदय का सर्वे जरूर फीड करना है, ठीक है, और 28 फरवरी तक करना ही है। उसके बाद दोस्तों जो है 1 मार्च से हमारी जो जीपीडीपी है वो लाइव हो जाएगी, तो हम उसको ऑनलाइन बनाना सीखेंगे। मैं आपको पूरा वीडियो बनाऊंगा किस तरह से पूरी एक्टिविटी बनाना है, मैंने आपको उसके सारे एक्टिविटीज़ के सब सिद्धांत बता दिए, बेस्ट 3 थीम्स बता दी कि 3 सबसे अच्छी थीम कौन सी है जिस पर हम सारे हमारे कार्य ले सकते हैं टाइड और अनटाइड के अंतर्गत, ठीक है। तो 28 फरवरी तक मिशन अंत्योदय का कार्य पूरा कर लें, उसके बाद हम पूरा वीडियो देखेंगे सीधे जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर, किस तरह से 2023-24 की जीबीटीपी बनाई जा सके, ठीक है। तो दोस्तों हर जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जो रहिए, आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।